स्टेज पे भी बैठेंगी और नीचे भी उतरेंगी, कि वो मेहमान नहीं है, वो मेजबान है। आए हुए गेस्ट जनाब अनुमति मौर्य साहब का इस्तकबाल। ये एक टीम है और आप लोग लक्ष फाउंडेशन की जानिब से कुकिंग ट्रेनिंग और ड्राइंग के लिए जो भी प्रोग्राम किया है, ऐसा प्रोग्राम हर इलाके में हर बस्ती में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में एक जागरण जागता है और उनमें ये एक अहम तालीम है और इसको देना चाहिए। शीट एंड ड्रॉ और कुकिंग कंपटीशन, ये बहुत शीट एंड ड्रॉ तो चलता ही रहता है, सब जगह होता है, लेकिन कुकिंग कंपटीशन का एक बहुत नया मंजर देखने को मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे लोग यहाँ आए हुए हैं शीट एंड ड्रॉ, कम से कम लगभग 300-350 के लगभग बच्चे और उनके सारे फैमिली परिवार के साथ आए हैं, उन लोग अपना ड्रॉन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे लोग मसरूफ हैं, बना रहे हैं। आप जजों को लेकर रूम में एंट्री लेंगे और उसके अंदर कोई भी नहीं रहना चाहिए। इस गुजार दी फकीरी में जिंदगी, मैंने गुजार दी फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी जमीर का सौदा नहीं, हिंदुस्तान के बच्चे लेकिन कभी जमीर का सौदा नहीं। शुक्रिया। दो चार नाम नहीं एक शेर को दे रहा हूँ, जब शेर का माहौल बन गया है के बच्चे कि हिंदू मुसलमान के ऊपर एक शेर बनाया है, ऐसा लीजिएगा कि गंगा चंदा की लहरों में प्यार की धारा बहते हैं, इस तरह का प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं, होली ईद मुहर्रम दिवाली मिलजुल कर सब करते हैं और झंडा तिरंगा हाथ में लेके भारतवासी कहते हैं, भारतवासी कहते हैं, भारतवासी कहते हैं। शुक्रिया। हमारे बच्चों में कितनी कला है, उनके अंदर कितना हुनर है, कितनी सलाहियत है, उनके माँ बाप भी तो जाने, माँ बाप को भी पता है, वो स्लम से हम लोगों ने लिया था जिनका कोई फीस नहीं था, फ्री में, इसलिए उनको लिया हम लोगों ने ताकि वो लोग जो दूर से हैं उनको भी अच्छा लगे कि हम भी इनके साथ हैं, इनके जैसे हैं। तो हमने उन स्लम के बच्चों हमने मंच में आइए और मैथ की जिम्मेदारी को संभालिए, इसके एहसास उनको अंदर आना चाहिए कि हम भी जो है इनसे कम नहीं है, ये लोग भी हमारे ही जैसे हैं। थैंक यू। जब बच्चे दलित के हों, हरिजन के हों, किसी के भी हों, तो सब बच्चों को हमने मिलाकर यहाँ पर दिखाया और ये भाईचारगी का हमने सबूत पेश किया है कि ये आप भी